भाई साहब धक्के मार के बाहर निकाल दिया, इतनी भीड़ थी धक्के। हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ये गदर नहीं, ये तो सभी मूवीज की फादर बन चुकी है। मतलब यार मजा आ गया। आज तो वो हुआ है जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, कभी हुआ ही नहीं। आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बताने के लिए आप लोगों को, और मुझसे ज़्यादा तो आप लोग सुनने के लिए इतने एक्साइटेड होंगे जिसके बारे में यार कुछ भी कहना ये होगा कि यार क्यों कह दिया। तो फिलहाल दोस्तों, अभी की थोड़ी देर पहले की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो एक छोटा सा हिंट दिया है यार मेकर्स की तरफ से, और दोस्तों जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि गदर 2 को एक एक घंटे में जो अपडेट कर रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको क्या बताया था, गदर 2 की 48 करोड़ की आज की, मतलब पूरे दिन की जो बताई जा रही है 48 करोड़ आ रही है। लेकिन दोस्तों भाई साहब बढ़ गई है। अब कितनी बड़ी है वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, वो प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मूवी कब रिलीज हुई है, मूवी 11 तारीख को रिलीज हुई है। 11 तारीख को इसने 40 करोड़, ठीक है, दूसरे दिन 43 करोड़। अब आज आप क्या सोचते हो, आज शाम तक ये कितना करने वाली है? तो दोस्तों जाके सिनेमा हॉल पे देखो। अभी मैं पता है आपको, मैं अभी वाकई में मैं दोबारा देखने गया था। जब भी मेरे को अभी इससे पहले जो मैंने शाहरुख खान की और चलिया वाली सॉन्ग की जो वीडियो बनाई है उसमें जब भी टाइम लग गया, मैं देखने गया था। मैं दूर गया था, आसपास में नहीं गया, मैं दूर गया। और जहां पे मैं गया, मुझे पता था कि मैं अगर मैं ऑनलाइन टिकट बुक कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं सिनेमा हॉल का मुआयना करने गया था। तो मतलब यार अबे भाई साहब धक्के मार के बाहर निकाल दिया, इतनी भीड़ थी, धक्के पे धक्का, सड़कों तक में लाइन लगा के खड़े हैं लोग बाग। मतलब यह है कि जरा सा मैं खड़ा हुआ जाके, तो चल बे चल आगे चल, भीड़ हो रही है, चल। मतलब मैं क्या बोलूं, टिकट लोगों ने खरीद ली है और वो अपने पास से टिकट बेच रहे हैं, जो 100 रुपए की टिकट होती है वो बेच रहे हैं 450 रुपए की। मतलब आप ये, और लोग बाग ले रहे हैं। मेरे सामने 12 टिकट्स मतलब ब्लैक में गई है। आप खुद सोचो कि पब्लिक 100 रुपए वाला टिकट 450 में ब्लैक ले रही है, तो समझ लीजिए क्या क्रेज है। और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा, मतलब मैं बाइक पे था, मैंने ये देखा कि भाई साहब ट्रक, मतलब वो जो ट्रक होता है ना जो सनी देओल का दिखाया, वो पूरा का पूरा ट्रक भर के आया हुआ खड़ा हुआ था। मैंने पूछा भाई कहाँ से आए हो, तो पता नहीं कहाँ से, कोई राजस्थान का कोई गांव बता रहे थे, धौलपुर वगैरह ऐसी कुछ। तो मैंने पूछा भाई वहां पे, कह रहा भाई दिल्ली के में जो देखने का मजा है वो अपने को यहीं पे आता है, अपना को तो अपना शुरू से ही है। तो दोस्तों दोबारा से वही चीज क्रिएट होती हुई दिख रही है जो कि हमने गदर की जो फर्स्ट जो पार्ट वन आया था सन 2001 में, उस टाइम पे भी मैंने यही सुना था कि लोग बाग गांवों से ट्रक भर भर के आए थे दिल्ली मूवी देखने के लिए। तो दोबारा से वही हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। तो मेरे ख्याल से भाई, जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ गदर की हर वीडियो में, तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इस टाइम पर सिनेमा हॉल में इतनी ही भीड़ है जितना हमने पठान के वक्त में देखा था। जिस तरीके से पठान में पब्लिक जा जाके मूवी देख रही थी फैमिली, तो इस टाइम पे ये भी हो रहा है। मतलब यहां पर भी यही चीज है जो पठान के टाइम पे थी। लेकिन मैं दोस्तों एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर गदर 2 के साथ OMG 2 रिलीज नहीं होती, बात पे जरा गौर करिएगा, अगर गदर 2 के साथ OMG 2 रिलीज नहीं होती तो ये पठान का फर्स्ट डे का रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। आप समझ रहे हो, मतलब तोड़ सकती थी अगर OMG 2 क्लैश नहीं होती। तो आप ये सोच लो कि कितना बड़ा क्रेज चल रहा है गदर 2 का। मैं मूवी को नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी को मूवी में लोग देखने आ रहे हैं। भाई मैंने वहां जाके, मैं कैमरा लेके नहीं गया था एक्चुअली, मैं बताऊं क्लियर,
मैंने वहां जाके सिर्फ दो चार बंदों से ही पूछा है, और पीछे कम से कम 400 आदमी थे, आगे जो दो चार बंदे थे मैंने सिर्फ उनसे यही पूछा, मैंने भाई मूवी आप किस वजह से देखने आ रहे हैं, पीछे थे पर सनी पाजी, अरे यार पीछे मतलब 300-400 लोग, पर सनी पाजी हिंदुस्तान जिंदाबाद, मतलब इतने हैं, मतलब खैर हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था और रहेगा मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो पब्लिक का जो क्राउड था वो भाई साहब देखने वाला था। मैं जस्ट अभी अभी आके बैठा हूँ, मैंने इससे पहले शाहरुख खान का वो चलिया वाला वीडियो बनाई थी, तो मतलब यार अलग ही क्रेज, यार अलग ही क्रेज, मुझे नहीं लगता कि मुझे तो। और एक बात और है, मैं देखो एक बात और कहूंगा कि अगर पठान से पहले ये रिलीज हो जाती तो ये इस साल की सबसे बड़ी हिट, क्रेजी, मतलब आप किसी भी हिट में किसी भी वर्ड को चूज कर लीजिए वो सबसे ऊंचा वर्ड। और अभी कुछ भी कह नहीं सकते दोस्तों, अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइम पे जो टिकट्स और कलेक्शन जा रही है इसकी, भाई दूसरे नंबर पे गदर का ऑप्शन लगने वाला है पठान के नीचे। और भाई देखो जैसे जैसे मूवी आगे जाएगी तो शायद हो भी सकता है कि शायद ये इंडिया में पठान का रिकॉर्ड तोड़ दे। ओवरसीज में तो देखो, ओवरसीज में तो इन लोगों ने ज्यादा मुझे नहीं लगता इतना कुछ किया है, लेकिन इंडिया में तो कम से कम तोड़ ही सकती है पठान का रिकॉर्ड। बाकी देखते हैं कि भाई तोड़ सकती है, तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है। फिलहाल यह है कि अगर OMG 2 रिलीज नहीं होती इस मूवी के साथ में तो भाई साहब ये क्लैश नहीं होता ना, तो ये झंडे गाड़ देती मैं कहता हूँ। अब आज की आपको देखिए, अभी एक घंटे पहले की जो इसकी टोटल कलेक्शन दिखा रहा है, मैंने सुबह आपको 48 का वो बताई थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताता हूँ। ऑक्यूपेंसी सुनकर दिमाग फट जाएगा, मैंने ऐसी ऑक्यूपेंसी नहीं देखी है आज तक, शायद मैंने पठान के टाइम पे भी नहीं देखी थी। भाई मॉर्निंग शोज 65%, हर मूवी के मॉर्निंग शोज कम ही मिलेंगे क्योंकि लोग बाग दोपहर में निकलते हैं ज्यादातर मूवी देखने, खासतौर से हॉलीडे वाले दिन। आफ्टरनून शोज भाई साहब 91% इसकी ऑक्यूपेंसी आ रही है आफ्टरनून शोज की, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। अब दोस्तों देखिए, दिल्ली NCR में प्रॉपर पूरे दिल्ली NCR में 91% की इसकी ओवरऑल चल रही है ऑक्यूपेंसी, 1071 शोज चल रहे हैं दिल्ली NCR में। मुंबई में 71% है, 876 शोज हैं। पुणे 66%, 330 शोज चल रहे हैं। बेंगलुरु 195 शोज, हैदराबाद 215 शोज, कोलकाता 214 शोज, अहमदाबाद 598 शोज, चेन्नई 38 शोज, सूरत 362, जयपुर 202, चंडीगढ़ 137, भोपाल 97, लखनऊ 230। अब दोस्तों इसकी मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ, पुणे 66%, बेंगलुरु 77, हैदराबाद 58, कोलकाता 57, अहमदाबाद 79, चेन्नई 100%, ओ भाई साहब, सूरत 77, जयपुर 93, चंडीगढ़ 89, भोपाल 72, लखनऊ 73। ये दोस्तों मैंने आपको बताई है ओवरऑल ऑक्यूपेंसी शहरों की, तो मतलब ये है दोस्तों आफ्टर, और देखिए आफ्टरनून में 86%, मुंबई, दिल्ली 98%, पुणे 82%, बेंगलुरु 92%, हैदराबाद 77, कोलकाता 77, अहमदाबाद 91, चेन्नई 100, सूरत 92, जयपुर 98, चंडीगढ़ 99, भोपाल 94, लखनऊ 90। तो मतलब यार मैं तो देख के क्रेज हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसकी अभी तक की जो इसकी कलेक्शन बताई जा रही है वो कितनी है दोस्तों, 50 करोड़, जी हाँ दोस्तों, और ये अभी तक का एक घंटे पहले का है, एक घंटे पहले का 50 करोड़ इसका पूरे आज का थर्ड डे का कलेक्शन आ रहा है। अभी तो दोस्तों शाम बाकी है, अभी क्या है, अभी पूरे तरीके से डाटा इनके हाथ में नहीं लगा है, तो इन्होंने सोचा चल यार 50 करोड़, तो मैं ये कहता हूं आपसे कि ये ऊपर जाने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है दोस्तों, 55 करोड़ के आसपास ये जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला है, 55 नहीं गया तो 52-53 तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो दोस्तों शाम को जो भी मैं आपको कलेक्शन बताऊंगा इसकी फुल डे की होगी, बाकी वर्ल्ड वाइड इसकी कल आएगी। अब दोस्तों देखिए मजा अलग ही आने वाला है, शाम तक इसकी क्या आती है तो देखते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो एक कमेंट आप जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, नॉलेज वाली लगी, और आपने मूवी देखी या नहीं देखी, और देखी तो मूवी के अंदर सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगा। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।